बड़ी खबर लखनऊ से। राजधानी की सड़कों पर दबंगई का नंगा नाच, बीच सड़क में जमकर हुई मारपीट। तो बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, पुलिस को देख रही नहीं, दबंग रुके हैं पुलिस से, लाठियां बांझ किया मामले को शांत। काकोरी थाना क्षेत्र की अंधे की चौकी के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़कों पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो दबंग है वो बेखौफ है पूरी तरीके से। पुलिस ने इस मामले को लाठियां भांजकर शांत कराया है। काकोरी थाना क्षेत्र के अंधे की चौकी के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है, बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने लाठी चार्ज करके इस पूरे मामले को शांत कराया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस एक्शन में आई है, जिसके बाद ये मामला शांत हुआ। बड़ी खबर, ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत का ये मामला सामने आया है। आप सांसद संजय सिंह ने सदन में नोटिस दिया है। संजय सिंह ने विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है। झूठ बोलना सदन और देश के लोगों का अपमान, सर्वोच्च सदन में मोदी सरकार के मंत्री ने झूठ बोला है। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के हजारों साक्ष्य हैं। इस संबंध में विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद ने सरकार पर हमला बोला है, नोटिस जारी की गई है। आपको बता दें कि विशेष अधिकार हनन का ये नोटिस संजय सिंह ने दिया है। झूठ बोलना सदन और देश के लोगों का अपमान है, तो ये पूरा नोटिस जो है उसे जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, आप सांसद संजय सिंह ने सदन में नोटिस दिया है। संजय सिंह ने विशेषाधिकार हनन का ये नोटिस पेश किया है। आपको बता दें कि झूठ बोलना सदन और देश के लोगों का अपमान है, इस तरह से संजय सिंह ने ये कुछ बातें कही हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के हजारों सबूत है, इस संबंध में विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश किया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, सरकार की व्यवस्था अनुशासन से चलती है, हमारा कार्य जनता की सेवा करना है, हम जनता के मालिक नहीं हैं, जनता हमारी मालिक है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट आपको बता रहे हैं। प्रदेश के युवाओं से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की है। उनका कहना है कि किसी के बहकावे में ना आए। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और प्रदेश के युवाओं से अपील की है कि वो किसी के बहकावे में ना आए।